कांग्रेस के छत्तीसगढ़ प्रभारी सचिन पायलट स्वयं कार चलाते शक्ति पहुंचे और राहुल गांधी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा और लोकसभा चुनाव को लेकर शक्ति के जुलाक कांग्रेस कार्यालय में कार्यकर्ताओं की बैठक ली। इस दौरान पूर्व सीएम भूपेश बघेल, विधानसभा नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत, पीसीसी चीफ दीपक बैस समेत कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। यहां बैठक को संबोधित करते हुए सचिन पायलट ने कहा कि मणिपुर से राहुल गांधी ने न्याय यात्रा की शुरुआत की, वहां की हिंसा किसी से छिपी नहीं है। उस राज्य से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत की है। केंद्र सरकार को अब किसी से कोई मतलब नहीं है। पहले भी राहुल गांधी मणिपुर गए थे और पीड़ितों के लिए खड़े रहे। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का मुख्य उद्देश्य यही है कि पूरे भारत में अनेकों जगहों पर सांप्रदायिक दंगे, महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, जिस पर उनसे संपर्क कर उन्हें न्याय दिलाने के लिए यहां यात्रा निकाली गई। इस यात्रा का पूरे देश में ये संदेश गया है कि कांग्रेस का प्रभाव आज भी मजबूती के साथ देश में है। असम यात्रा को प्रभावित करने की कोशिश हुई, कई षड्यंत्र हुए, लेकिन कांग्रेस मजबूती से आगे बढ़ी। यात्रा उड़ीसा से होकर छत्तीसगढ़ आएगी और 11 फरवरी को यात्रा शक्ति पहुंचेगी। नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने राहुल गांधी के शक्ति आगमन को लेकर सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को विशेष रूप से कहा, राहुल गांधी जी की ऐतिहासिक स्वागत होना चाहिए ताकि पूरे यात्रा के दौरान छत्तीसगढ़ का नाम आगे रह सके, जिस पर सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोर शोर से स्वागत की तैयारी में जुट गए। हमारे छत्तीसगढ़ के प्रभारी सचिन पायलट जी, हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, किसानों का सभी वर्ग के नेता भूपेश बघेल जी, हमारे विपक्ष के नेता आदरणीय हमारे बहुत ही सम्मानित चरणदास महंत जी और हमारे कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैस जी, हमारे और तमाम जितने भी विधायक के सीनियर नेता हैं, सब लोग आज आकर के शक्ति में आज बैठक लिए हैं। माननीय हमारे इस देश के भावी प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी का न्याय यात्रा हमारे छत्तीसगढ़ में जैसे ही आएगा तो उनके ऐसा लगना चाहिए कि देश में सबसे ज़्यादा अगर कांग्रेस के साथ में विचारधारा में चलने वाले अगर कहीं पर हैं तो छत्तीसगढ़ में है। इसके तैयारी के लेकर के आए थे, सभी कार्यकर्ताओं के साथ में बैठक करके सभी हम लोग जो है काम करने के लिए जवाबदारी लिए हैं और बहुत अच्छा हमारे जो है न्याय यात्रा राहुल गांधी जी के साथ में पूरे छत्तीसगढ़ के सभी वर्ग के लोग हम स्वागत करने के लिए तैयार हैं। जो हमारे छत्तीसगढ़ को गुरु घासीदास जी के पावन धरती में, जहाँ पर गुरु घासीदास जी ने मन के एक समान कह करके मानवता को संदेश दिया है और सभी वर्ग का भाईचारा बनाने के लिए जो संदेश दिया है, वही विचार लेकर के राहुल गांधी जी पद यात्रा कर रहे हैं। इसलिए छत्तीसगढ़ के धरती में, गुरु घासीदास जी के पावन धरती में, उनको स्वागत करने के लिए पूरे छत्तीसगढ़ के लोग इंतजार कर रहे हैं। आगे भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो मणिपुर से शुरुआत की गई थी, वो मणिपुर से होते हुए उड़ीसा बिहार होते हुए छत्तीसगढ़ 8 तारीख को प्रवेश करेगी यात्रा, जो शक्ति में 11 तारीख को निकलेगी। इसके लिए हमारे प्रभारी प्रदेश के जो सचिन पायलट जी हैं, उन्होंने मीटिंग लिया, आज उनका हम लोगों ने भव्य स्वागत किया है और जितने कार्यकर्ता हैं हमारे सभी लोग उत्साह से उनका सम्मान किए हैं, सत्कार किए हैं और उनको विश्वास दिलाए हैं कि जो यात्रा जो छत्तीसगढ़ में प्रवेश करेगी राहुल जी का, एक ऐतिहासिक होगा, सबसे बढ़िया यात्रा ये होगी।